Hey guys, so welcome to my channel, and today I'm gonna show you how to flash Mocky OS in Lenovo Yoga Z1. So guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि Lenovo Yoga Z1 में आप कस्टम रोम Mocky OS कैसे फ्लैश कर सकते हैं, और ये रोम काफ़ी अच्छी है. मैं करंटली इसी को यूज़ कर रहा हूँ. देख लीजिए, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है. मैं इसका सेटिंग का इंटरफेस दिखा देता हूँ आपको. लुक, ये 7.1.2 पे वर्क कर रहा है, नो कट 7.1.2. ओके गाइस, और जूक जेट वन डिवाइस में है ये, और एम के 7.1.2 है ये. एम के में मोकी, ओके मोकी ओएस इस रोम का नाम है. ओके गाइस, तो इसमें आपके पास काफ़ी सारे थीम्स के ऑप्शंस भी हैं. लाइक आप अपना बूटअप भी चेंज कर सकते हैं एक्सपोस्ट से, और आपकी जो सब स्टेटम थीम्स आती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं आप इससे, जिससे आप अपना पूरा इंटरफेस डार्क भी कर सकते हैं. अभी ये लाइट है तो, और इसमें सब चीज़ें वर्क कर रही हैं. देख लीजिए, मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ. देख लीजिए, कैमरा भी वर्क कर रहा है. ओके गाइस, तो गाइस आपको अपने फ़ोन में न्यू रोम फ्लैश करने के लिए, लाइक इस Mocky OS को फ्लैश करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में TWRP रिकवरी फ्लैश करनी होगी. तो फ्लैश करने के लिए आपको मेरी एक वीडियो देखनी होगी. उस वीडियो की लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है. उस वीडियो पे आप देख के अपने फ़ोन में TWRP रिकवरी फ्लैश कर सकते हैं. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं. आपको TWRP रिकवरी फ्लैश करने के बाद में अपने फ़ोन में आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को रिकवरी मोड पे ऑन करना है. तो उसके लिए मैं अपने फ़ोन को पहले पावर ऑफ कर लेता हूँ. ओके, शट डाउन हो गया. आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप एंड डाउन की एक साथ प्रेस करनी है, देन उसके बाद में पावर की प्रेस करनी है. जैसे आपका बूट का लोगो होता है, आपको पावर की छोड़ देनी है. छोड़ दीजिए पावर की अपनी. देख लीजिए, TWRP रिकवरी ऑन हो चुकी है. तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमें अभी करंटली रोम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हमें न्यू रोम डालने के लिए, न्यू रोम फ्लैश करने के लिए हमें क्या होता है, करंट रोम को रिमूव करना होता है. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वाइप पे क्लिक करना है, देन स्वाइप टू सॉरी एडवांस स्वाइप पे क्लिक करना है. देन आपको यहाँ पे 6 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको फोर ऑप्शंस चेक करने हैं, लाइक डेल्विक सिस्टम, डेटा एंड कैश, और इंटरनेट स्टोरेज और USB OTG को आपको चेक नहीं करना है. देन आपको क्या करना है, स्वाइप टू वाइप कर दीजिए. ओके, सक्सेसफुली वाइप कंप्लीट हो चुका है. देन अगेन होम पेज पर जाइए, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे मेरे पास है Mocky OS. तो मैं इसको इस पर क्लिक कर लेता हूँ, फ्लैश कर लेता हूँ. स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर दीजिए. Mocky OS की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं उसे इजीली. और अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं.
इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं इस वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो गाइस हम देख सकते हैं ये सक्सेसफुल हो चुका है, देखिए सक्सेसफुल। ओके गाइस, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वाइप कैश टेलवे लिखा हुआ है तो उस पर आपको टैप करना है, देन स्वाइप टू वाइप करना है। ओके गाइस, तो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा जी एप्स फ्रेश करके, आप उसको जी एप्स को भी आप लाइक इसी तरह आप फ्रेश कर सकते हैं अपने डिवाइस में। मैं आपको फिर भी एक बार तरीका बता देता हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक करना है और आपको 7.1.2 की जी एप्स डाउन करनी है तो इस पर टैप करना है जैसे, और आपको यहाँ पे स्वाइप टू कंफर्म फ्रेश कर देना है, आपका जी एप्स भी फ्रेश हो जाएगा। देन आपको उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पे रिबूट पे क्लिक करना है और सिस्टम पे क्लिक करना है। लुक देखिए आपका फ़ोन रिबूट हो चुका है। ये मोकी ओएस का लोगो है। तो इसके बूटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पूरी एप्लीकेशंस वगैरह ऑप्टिमाइज़ होती है। काफ़ी अच्छा बूट एनिमेशन लोगो है इसका। ओपन शोर्स है लिखा हुआ है यहाँ पे, मोकी ओपन शोर्स। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। ओके गाइस, रोम बूट ऐप हो चुकी है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है उसको टैप करना है और अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है आपको, लाइक इंडिया। नेक्स्ट कर दीजिए। जो भी मांग रहा है उसको आप स्किप कर दीजिए। देख लीजिए आपका ये होम पेज पे आ चुका है, देख लीजिए पूरा वर्क कर रहा है ये, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, सेटिंग्स सॉल्व वगैरह। और इसमें सब स्टेटम थीम्स भी ऑलरेडी आती है, देख लीजिए सब स्टेटम एंड एक्सपोज, जैसे आप अपना बूट एनिमेशंस वगैरह ऑल थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं जिससे आप। सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपके कैमरा वगैरह भी वर्क करते हैं। कैमरा हेलो, देख लीजिए यहाँ पे कैमरा भी वर्क कर रहा है। ओके, और आपका वाईफाई वगैरह भी वर्क करते हैं, देख लीजिए वाईफाई भी वर्क कर रहा है आपका, देख लीजिए यहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं इसे। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और रोम भी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस रोम को इंस्टॉल कीजिएगा, फ्लैश कीजिएगा, चेक कीजिए। अगर आपको कोई भी बग नज़र आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट कर लीजिएगा। और फाइल्स डाउनलोड की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और TWRP रिकवरी फ्लैश करने का तरीका भी आपको मैं आपको वीडियो दे दूंगा, वहाँ वो वीडियो देख के आप TWRP रिकवरी फ्लैश कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मैं यहाँ इस चैनल पे नया हूँ अभी और यूट्यूब पे भी नया ही हूँ, तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। सो गाइज प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू यूज़र हैं तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।